नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर प्रेत आत्माएं सुधर जाती हैं, भूत प्रेत सुधर जाते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, अगर भूत प्रेत सुधर जाते हैं, आत्माएं सुधर जाती हैं, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर प्रेत रोगियों को देखने को मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में। जो भूत प्रेत उन्हें सता रहे थे, वो उन्हें सताना बंद कर देंगे, उनको हर वक्त आवेश लाना बंद कर देंगे, कलेश करना बंद कर देंगे, गुस्सा करना बंद कर देंगे। यहाँ तक कि जो काम वो रोक रहे थे, उनमें जो रुकावट पैदा कर रहे थे, उस चीज़ को बंद कर दे देंगे। साथ में सबसे कमाल की चीज़ क्या होगी कि कामों को बनाने में सहयोग करने लगेंगे, शरीर को और ख़राब नहीं करेंगे बल्कि हर तरीके से बचाव करने में भी मदद करेंगे, रक्षा करने लगेंगे। और अपने उस प्रेत योनि को सुधारने के लिए और भारी ऊपरी हवाओं से भी उस प्रेत रोगी को बचाएंगे और उस परिवार को बचाएंगे। अगर वो इतने कमज़ोर हो जाए कि भाई बाकी अगर कोई बिल्कुल ही किसी के पीछे तांत्रिक पड़ा है और भूत प्रेत बहुत सारे छोड़े जा रहा है, और तो ये जो शरीर में बैठी हुई आत्मा अगर ये सुधरी हुई है तो ये उतना ही डिफेंड कर पाएगी जितना ये कर सकती है, जितनी इसकी कैपेबिलिटी है। पर अगर वैसे कोई आपका जाति दुश्मन नहीं है जो भूत प्रेत आप पे छोड़ रहा है, पर वैसे ये आपके साथ लग गई है स्पिरिट, और अगर ये सुधर जाती है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में जो मुश्किलें हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें सुधरने लगेंगी। अब बात आती है कि क्या जब ये सुधर गई है तो निकल क्यों नहीं जाती खुद ही। कई केसेस में जब आत्माएं सुधर जाती हैं तो वो अक्सर शरीर के मोह में तो पड़ी रहती हैं कि पर जो है निकलती भी नहीं है और शरीर में रहती भी है पर कोई नुकसान नहीं करती। कुछ केसेस में उनके अंदर परिवर्तन इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो शरीर भी छोड़ देती हैं और कह देती हैं कि आप ये काम करो इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, या यहाँ पे कोई चीज़ रख दो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगी। कुछ केसेस में बांधी हुई आत्मा होती है शरीर पे, जो नहीं निकल पा रही होती है, वो मजबूर होती है, उसको पता नहीं होता कैसे निकलना है बाहर। और पर वो अगर सुधर जाए तो यूँ कह लीजिए अगर वो शरीर में है भी तो तंग नहीं करती। मैंने एक केस किया था जहाँ पे कोई हमारे क्लाइंट थे, वो मेरी वीडियोस को जो है लाउड स्पीकर पे सुनते थे, किसी भी तरीके से मतलब हेडफोन लगा के नहीं सुनते थे, लाउड स्पीकर पे सुनते थे, और वो खुद भी प्रेत रोगी थे। ऐसा परिवर्तन उनके अंदर उसमें महिला में देखने को हुआ कि जो प्रेत रोगी उनके अंदर है, जो प्रेत है उनके अंदर, वो भी एक फीमेल थी जिसकी स्पिरिट थी उनकी बॉडी में, एंड वो सुधर गई। उसने बुरा करना बंद कर दिया, गलत काम करने बंद कर दिए, उस लेडी को तंग करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसने ये कन्फेशन भी किया आवेश में आके कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा बुरा करती रही हूँ, तुम्हें बीमार करती रही हूँ, तुम्हें तंग करती रही हूँ, और अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरी प्रेत योनि खराब हो जाएगी और हो रही है अगर मैं तुम्हें परस्पर तंग करती रहूँगी। इतने टाइम से प्रेत योनि में पड़ी पड़ी वो प्रेतात्मा भी छिक चुकी थी और मुक्ति चाहती थी, इसलिए उसने जब वीडियोस को सुना उसको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो गई कि हाँ ये जो सब होता है प्रकरण, अगर मैं किसी के साथ गलत करती हूँ, किसी की भी ज़िंदगी को नेगेटिवली अफेक्ट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो है प्रेत योनि का समय खराब होगा, मेरी प्रेत योनि खराब हो जाएगी और मुझे इसके बुरे रिपरकशन देखने को मिलेंगे। खासकर मुझे या तो मुक्ति नहीं मिलेगी या फिर जन्म जो मिलेगा वो गंदी योनियों में मिलेगा, ऐसी योनियों में मिलेगा जो जानवरों की योनि है। वो जो हमारी क्लाइंट है वो रेगुलरली वीडियो सुनती रही हैं, और क्योंकि वो प्रेत रोगी थी तो वो अक्सर रात को भी सुनती थी, दिन में भी सुनती थी, तो जब उनके तो 24 घंटे वो आत्मा शरीर में रहती थी। जब वो रेगुलरली सुनती गई तो ऑब्वियस सी बात है जो शरीर में बैठी है आत्मा वो भी उनको सुन रही है, उन बातों को सुन रही है क्योंकि शरीर का इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ तक कि कई लोगों ने ये भी एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि जब वो लाउड स्पीकर पे घर में चलाते हैं और वीडियोस को सुनते हैं तो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके घर में बहुत ज़्यादा हो रही थी वो कम होने लगी हैं। कि इसका जहाँ पर उनके घर में इतनी सारी स्पिरिट्स का वास था या एक पर्टिकुलर स्पिरिट का वास था, तो वो उस चीज़ को समझ पा रही है कि उस उनके विषय में बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर वो ज़्यादा बुरा नहीं करती है किसी का, या उनको भी रहने देती हैं उस घर में और खुद भी रहती रहती हैं, तो उनकी जो ये योनि है ये खराब नहीं होगी, उनको या तो आगे मुक्ति मिल जाएगी या अच्छा जन्म मिल जाएगा।
ये चीज़ सुन के मुझे भी जो है अचंभा हुआ, जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर जो ये बैठी स्पिरिट है ये कन्फेस कर रही है कि आपकी वीडियो सुनने की वजह से मैं उसका बुरा नहीं कर रही। और जब उनका आवेश आया, मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई और आवेश में उसने ये चीज़ दोबारा कन्फेस की कि मैं ये लड़की आपकी वीडियो सुनती थी और मैं शरीर में बैठी रहती थी और मैं भी सुनती थी। तो जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी तो मैंने इसका बुरा करना बंद कर दिया, इसको बीमार करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपनी ये प्रेत योनि अब आगे ख़राब नहीं करना चाहती। तो ये जान के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि एटलीस्ट जो स्पिरिट्स हैं जिनके विषय में मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, अगर वो भी इस बात को समझें कि अगर वो किसी का बुरा नहीं करेंगी तो उनकी ये योनि सुधर जाएगी। और कहीं ना कहीं इस योनि में यूं कह लो कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा मत करो। आपकी ये प्रेत आत्मा की जो योनि है, भूत प्रेत के विषय में जो आप जीवन जो अपना काट रहे हो भूत प्रेत की तौर पे, एक इस योनि में काट रहे हो, वो ढंग से काट लो, शांति से काट लो। तो ये है कि आगे ईश्वर भी आपकी कदर करेगा, आपके इस बलिदान की कदर करेगा और आपको एक अच्छा स्थान देगा, आपको कहीं ना कहीं मुक्ति देगा या आपका अगला जन्म सुंदर होगा। और एक बंदे ने और कईयों ने मुझे कमेंट में कहा था कि आपकी वीडियोस लाउड स्पीकर पे सुननी चाहिए, वो अपने घर में अक्सर सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे इन्हें बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू कान में सुनने से। और ख़ासकर जिन घरों पे ऐसा लगता है कि जिस घर में पारलौकिक शक्तियों का वास है, चीज़ें हॉन्टेड हैं, क्योंकि ब्रह्मांड है, इसमें आत्माएं भरी पड़ी हैं, कहीं पे भी कोई भी आत्मा हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है, आपके पितर भी हो सकते हैं जो आपको सता रहे हों। तो अगर आपके पितर ये वीडियोज़ को सुनते हैं, आप लाउड स्पीकर पर चलाते हैं अपने घर में और वो सुनते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये इस चीज़ का बदलाव आता है कि हम इनका इसका बुरा ना करें या इसके साथ ठीक व्यवहार करें, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ मैं बात अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कर रहा या अपने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहा दोस्तों, ये मुझे रियल में जो केसेस में ये चीज़ें देखने को मिली, लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया इस बात को लेके, और ख़ासकर ये पर्टिकुलर केसेस जिसमें बाकायदा कन्फेस किया उस स्पिरिट ने कि मैं चाहूँ तो, उसके शब्द क्या थे दोस्तों, कि मैं चाहूँ तो 1 मिनट में इस लड़की की जान लेके इसके शरीर से बाहर निकल सकती हूँ, पर आपके वीडियोस देखने के बाद, सुनने के बाद, इसके शरीर के माध्यम से मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि मैं इसकी जान नहीं लूँगी, इसको नहीं मारूँगी, क्योंकि नहीं तो मेरी प्रीति उन्हीं ख़राब हो जाएगी, मुझे जो अवसर ईश्वर ने दिया है सुधरने का ये ख़राब हो जाएगा और मेरा अगला जन्म ख़राब हो जाएगा। सिर्फ इसी वजह से मैं इसको नहीं मार रही, क्योंकि आपको इस चीज़ का मुझे भी डर होने लगा कि मेरी आगे की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, आगे की मुझे पता नहीं मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर मैं कोई इसको जान लेती हूँ तो। और आपके समझाने की वजह से इन वीडियोस द्वारा मैं अब इसकी जान नहीं ले रही हूँ। और आप यकीन मानिए मुझे इतनी उस टाइम खुशी हुई कि उस टाइम कोई मेरे पास एक्सप्रेस करने का एहसास नहीं था कि एटलीस्ट उस लड़की की जान अगर सिर्फ वीडियोस सुनने की वजह से बच रही है, और ख़ासकर जो प्रेत आत्मा उसके अंदर बैठी थी, जो उसकी जान लेने के लिए ही भेजी गई थी, जो जान लेने के पीछे ही पागल थी, वो जान लेने का जो विचार है उसने अगर ये विचार छोड़ दिया है तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। हालांकि उन के उसके केस डिफरेंट है, उसके केस में बहुत और भी स्पिरिट्स की इन्वॉल्वमेंट है जो उनके दुश्मनों द्वारा छोड़ी गई है, तो इस वजह से वो थोड़ी ज़्यादा उनका केस कॉम्प्लिकेटेड है। पर एटलीस्ट एक स्पिरिट ने जब डिसाइड कर लिया कि हम जान नहीं लेंगे इसकी, उसको जीने देंगे, तो धीरे धीरे हो सकता है और स्पिरिट्स पे भी और आत्माओं पे भी हम पॉजिटिव असर डाल सकें। तो आप वीडियो सुनते हैं अकेले मत सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने रिश्तेदारों को सुनाइए, अपने जानकारों को सुनाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, घर में चलाइए लाउड स्पीकर पर। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त किसी और को सुनाए, उसके वहाँ कोई पितर सुन रहा हो, कोई प्रेत आत्मा सुन रही हो, या और कोई बंदा गुप्त प्रेत रोगी हो, उसको पता ना हो प्रेत रोगी है पर वो हो, या और कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर पॉजिटिविटी मिलती है या किसी की मदद हो जाती है, या इस तरीके से कोई प्रेत आत्मा किसी का बुरा करना बंद कर देती है, या आपके पितर आपका बुरा करना बंद कर देते हैं, तो आप नहीं जानते कितना बड़ा ये सत्कर्म होगा। बाकी जो है मैं अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि और लोगों को का भला हो। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के देखो कोई पैसे नहीं लगते, ये ज्ञान आप जितना फैलाओगे, जितना लोगों की मदद करोगे ना, उसमें एक आपका भी जुड़ाव हो जाएगा, एक आपका भी सत्कर्म जुड़ जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा, मेरे द्वारा और आपके द्वारा ही हम मिलकर इस दुनिया को बुरी आत्माओं से मुक्त कर सकते हैं, गंदी आत्माओं से मुक्त कर सकते हैं, इस संसार को अच्छा बना सकते हैं।
आशा करता हूँ आप मेरी इस बात का मान रखेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों ये केस बहुत कमाल का था जो मेरे साथ हुआ, जिसमें इन्होंने लड़की ने बताया मुझे, और ख़ासकर उस प्रेत आत्मा ने कन्फेस किया जब वो फ़ोन पर बात हुई, जब उसका आवेश आया फ़ोन पर ही। यही कहूँगा मैं, आगे ज़्यादा डिटेल्स इस केस की नहीं रिवील कर सकता, क्योंकि सबकी कॉन्फिडेंशियलिटी है। बस आप मेरी बात को इस इतना मान लीजिए कि ये है कि हमें इस मैसेज को, पारलौकिक दुनिया के इस ज्ञान को बढ़ाना है, जितना हम बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ाना है, और जितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं हमें पहुंचना है। मन से जलन छोड़ के, नफ़रत छोड़ के, आप चाहे किसी के भी पास जाते हैं, चाहे आप 10 किसी के भी आप फॉलोवर हैं, अगर आप मेरी वीडियोस भी सुनते हैं, और अगर आपको ज़रा भी इसमें पॉजिटिविटी लगती है, ज़रा भी आपको लगता है कि आपकी हेल्प हुई है, आपको नॉलेज मिली है, आपको कोई नई ज़िंदगी जीने का मौका मिला है, तो शेयर करने से पहले हिचकिचाइएगा मत। दोस्तों अगर आप किसी भी भूत प्रेत के संकट से परेशान हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में है, पारलौकिक संकट है, दैविक प्रकोप है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, घर में इतना कलेश रहता है कि सब अलग अलग कमरे में बैठ जाते हैं, दोस्तों आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी, इसे घर में जलाना शुरू कीजिए। आप यकीन मानिए, आपके काम भी बनने लगेंगे, कलेश भी बंद होने लगेगा। कोई भी तरीके का पितरों का संकट है, पारलौकिक संकट है, भूत प्रेतों की व्याधा है, टोने टोटके हैं, सब चीज़ का नाश हो जाएगा। कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा, रेगुलरली जलानी होगी, और आप देखेंगे आपके काम बनते नज़र आएंगे। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित लॉकेट या कवच भी पहन सकते हैं। आज भी मैंने यूट्यूब पे अपनी कम्युनिटी में एक कस्टमर का रिव्यू डाला था, जिन्होंने कवच मेरा पहना, और उन्होंने बाकायदा लिखा कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। और सिर्फ यही चाहता हूँ कि जितने ही प्रेत रोगी हैं, उनकी ज़िंदगी बदले, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, एटलीस्ट वो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी सकें, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरा भी मंत्र लॉकेट या कवच भी ले सकते हैं, मुझसे अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, मुझसे पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में राय भी ले सकते हैं। सभी कामों के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी मुझे, pulkitsingla901@gmail.com पे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।